गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन में। तो आज मैं बताने वाली हूँ आंध्रा स्टाइल इडली और उसके साथ खाने वाली सांभर की रेसिपी। तो फिर देरी क्यों करना, चलिए देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। तो इस इडली में इडली रवा यूज किया जाता है, तो यहाँ मैंने 3 कप इडली रवा ले लिया है। तो आपको इसमें चावल भिगाकर उसे पीसने की कोई जरूरत ही नहीं है, जिससे आपका समय और मेहनत दोनों भी बच जाएगा और साथ ही साथ इडली बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो आपको स्टोर में ये इडली रवा के नाम से ही मिलेगी, तो अगर ये लंदन में मिल रहा है तो आपको ये कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। तो आप इसे पानी में भिगाकर कम से कम 4 घंटे के लिए रख दें। और यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कटोरी उड़द दाल। तो रवा और उड़द दाल का प्रपोर्शन 3:1 का ही आप रखिएगा। तो दाल को मैंने 2 बार पानी से अच्छे से धो लिया है और उसके बाद उसमें 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है। उसके साथ ही मैंने इसमें डाला है 8 से 10 दाने मेथी के। तो इसे आप कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए भिगा कर रख दें। तो 5 से 6 घंटे के बाद ये देखिए दाल जो है वो अच्छे से भीग चुकी है। और साथ में मैंने ले लिया है 2 चम्मच मीडियम पोहा। एक बार अच्छे से धोकर आप इसे 10 मिनट के लिए भिगा कर रख दें। तो मिक्सर जार में आप पहले आधी दाल डाल दें और बिना पानी मिलाए इसे एक पेस्ट बना लें। और उसके बाद आप डाल दीजिए भीगा हुआ पोहा और पोहे के साथ आप एक बार इसे और अच्छे से पीस लें। आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी और इजी रेसिपी मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाकी की बची हुई दाल और थोड़ा सा पानी मिलाकर आप इसे एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लें। ये देखिए, जब आप इसे उंगलियों में ऐसा करें तो इसमें कोई भी दाना नहीं बचा हुआ है दाल का। तो आप एक बड़े बर्तन में इडली रवा शिफ्ट कर दें और उसके बाद ये जो पिसी हुई दाल है वो उसमें अच्छे से मिक्स कर लें। तो जो मेथी दाना और पोहा हमने इसमें डाला है उसकी वजह से इसका फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छे से होगा और उसकी वजह से ही जो इडली है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। और आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करिएगा और इसे ढककर आप कम से कम 8 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए फर्मिनेट होने के लिए छोड़ दें। और ये देखिए, इडली बैटर जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है, मतलब ये बहुत ही अच्छे से फर्मिनेट हो चुका है। तो आप इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए अपने स्वाद के अनुसार नमक और नमक डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो आप इडली मोल्ड में पहले लगा लें थोड़ा सा तेल ताकि इडली इसमें से चिपके ना। और फिर आप इसमें डाल दीजिए बैटर। तो आप इसे ऊपर तक मत भरिएगा, नहीं तो जो इडली है वो फूलकर इसमें से बाहर आ जाएगी। तो सारे प्लेट्स आप रेडी कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसे कुकर में या फिर इस तरीके से मेरे जैसे राइस कुकर में भाप में 20 से 25 मिनट तक पका लीजिएगा। और जब तक इडली पक रही है, चलिए अब हम करते हैं इसके साथ खाने वाले सांभर की तैयारी। तो यहाँ मैंने 1/2 कटोरी इमली ले लिया है और इसे गर्म पानी में 1/2 घंटा के लिए भीगने के लिए रख दिया है। तो सांभर के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं 1 कटोरी दाल। तो यहाँ मैंने तुअर दाल लिया है और इसे आप 2 बार अच्छे पानी से धो लें। और इसके साथ मैंने डाल दिया है 3 कटोरी पानी और 2 लहसुन की कलियाँ, ये ऑप्शनल है। और इसके साथ आप डाल दें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच तेल ताकि कुकर से दाल बाहर ना निकले। तो मीडियम फ्लेम में हमें इसे 3 से 4 सीटी तक या जब तक दाल अच्छे से गल नहीं जाती तब तक इसे पकाना है। तो जब तक दाल पक रही है हम कर लेते हैं इसमें डलने वाली सब्जी की तैयारी। तो यहाँ पर आप ले लें 8 से 10 ड्रमस्टिक, 3 मीडियम टमाटर, 1 मीडियम गाजर और 1 मीडियम प्याज। तो आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे कि लौकी या छोटे वाले बैंगन। तो यहाँ मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, गाजर को छिलकर मैंने मीडियम आकार में काट लिया है, टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है और ड्रम स्टिक को मैंने छील लिया है। तो कढ़ाई को रखिए आप मीडियम फ्लेम में और उसमें डालिए आप 3 से 4 चम्मच तेल। तो तेल जब गर्म हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच मेथी दाना, आप मेथी दाना जरूर डालिएगा, और 1/2 चम्मच जीरा। तो यहाँ मैं सांभर को 2 बार तड़का देने वाली हूँ और यहाँ मैंने डाला है इसमें 2 चुटकी हींग के। और उसके साथ आप डाल दीजिए 6 से 7 मेरे फेवरेट कड़ी पत्ते। तो साउथ इंडियन रेसिपीज में मोस्टली कड़ी पत्ता यूज किया जाता है और सांभर में तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने फिर डाल दिया है बारीक कटे हुए प्याज। और अगर आपको सांभर स्पाइसी बहुत पसंद है तो आप इसमें 3 से 4 हरी मिर्च जरूर डालिएगा। तो सांभर में मोस्टली जो छोटे वाले प्याज आते हैं जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है वो डालते हैं, जिसे सांभर प्याज भी कहा जाता है। तो अगर आपको वो मिले तो आप इसमें जरूर डालिएगा। तो प्याज जब थोड़े से नरम हो जाए आप उसमें डाल दीजिए बाकी की कटी हुई सब्जियां और फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें प्याज के साथ। और सब्जियां जल्दी से पक जाए और नरम हो जाए उसके लिए आप उसमें डाल दीजिए अपने स्वाद के अनुसार नमक
और उसके साथ मैंने डाल दिया 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो दाल में पहले से हल्दी है तो इसमें बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं लगेगी। तो जो टमाटर है वो अच्छे से गल चुके हैं और सब्जियां थोड़ी सी नरम हो चुकी है, तब आप उसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला। तो मसाले के साथ हम सब्जियों को 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे ताकि जो सब्जी है उसमें अच्छे से मसाले का फ्लेवर आ जाए। और फिर आप इसमें डाल दीजिए 2 ग्लास पानी, आप चाहे तो इसमें ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। तो पानी डालने के बाद हमें इसमें अच्छे से एक उबाल लाना है और उबाल आने के बाद आप इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने दें। तो जो इमली भिगाकर हमने रखी थी वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो आप इसे अच्छे से मसल लीजिएगा और छन्नी से छान लीजिएगा ताकि इसमें जितने भी बीज या जितने भी रेशे हों वो इसमें से अलग हो जाए। तो सांभर में डालने के लिए ये जो इमली का पानी है वो रेडी हो चुका है। और चलिए देखते हैं कि जो सब्जी है वो अच्छे से पक चुकी है कि नहीं। तो जी हाँ, सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं ये इमली का पानी। तो याद रखिएगा कि सब्जी पकने के बाद ही आप उसमें इमली का पानी डालिएगा। तो इमली डालने के बाद हमें इसे 10 मिनट के लिए और पकाना है। तो चलिए देखते हैं कि दाल रेडी हो चुकी है कि नहीं। तो जो दाल है वो अच्छे से पक कर रेडी हो चुकी है और अच्छे से गल चुकी है, तो आप इसे अच्छे से मैश कर लें। तो सब्जियों में मसाले का और जो इमली का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ चुका है, आप इसमें डाल दीजिए मैश की हुई दाल। तो दाल डालने के बाद हमें इसे 5 मिनट के लिए और पकाना है ताकि इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो दाल अब 5 मिनट और पककर अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो गैस आप करिएगा ऑफ और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिएगा धनिया पत्ती। तो जो सांभर है वो बनकर बिल्कुल रेडी है, पर मैं पसंद करती हूँ कि इसमें मैं एक और तड़का डालूं, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 चम्मच तेल और उसमें डाल दिया है 2 खड़ी मिर्च। और जब मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाए उसमें आप डाल दीजिए 2 चुटकी हींग और मेरा फेवरेट 4 से 5 कड़ी पत्ता। तो बिल्कुल आप जो ये तड़का है दाल में डालिएगा और इमीडिएटली उसे ढक दीजिएगा ताकि दाल में उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आए। तो सांभर बनकर रेडी हो चुका है और चलिए देखते हैं कि इसके साथ में खाने वाली इडली बन चुकी है कि नहीं। तो इडली भी अच्छे से पक चुकी है, तो आप इसे 5 मिनट के लिए बस ठंडा होने दें और उसके बाद चम्मच की सहायता से आप इडली निकाल लें। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये इडली कितनी स्पॉन्जी बनी है और खाने में कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो गर्मा गर्म इडली आप गर्मा गर्म सांभर के साथ सर्व करें। तो आपको ये इडली और सांभर की रेसिपी कैसी लगी ये मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।